तो क्या विश्वास किया जाए कि नवनीता रंजन यदि मुखिया बनती है तो ये तमाम समस्याओं का निदान होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूँ कि जब तक दोघरा के हम विकास नहीं कर देंगे तब तक हम चैन के सांस नहीं लेंगे, ये मेरी वादा है। जी का कैसा व्यवहार है वो? अच्छा व्यवहार है एकदम। पंचायत में यदि ये मुखिया बनती है तो सब काम कर देंगे। क्यों महिला लोग सब काम नहीं किए हैं? नहीं कहाँ किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके पंचायत में विकास नहीं हुआ? जी कुछ हो नहीं, जाने लायक नहीं है गांव में। हाँ। जी ऐसा गांव है, इतना बड़ा गांव है। हाँ। जाने लायक नहीं है। नवनीता रंजन जी बहुत अच्छा कैंडिडेट हैं। हाँ। बहुत अच्छे काम करेंगे, पढ़े लिखे हैं। राजू रंजन सर बहुत पढ़े लिखे आदमी है, रंजन भी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। आज के पहले जो मुखिया थे वर्तमान में, वो मुखिया कोई काम नहीं किए हैं। गांव पर जाने में बहुत स्थिति दयनीय है, ना रोड है, ना गली है, ना नली है, बहुत स्थिति दयनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूं सुख तिवारी। इस वक्त अभी हम बिहिया प्रखंड के दोघरा पंचायत में हैं और यहां मुखिया प्रत्याशी के रूप में हमारे साथ नवनीता रंजन जी है। और मैं आपको बता दूं कि कल परसों 24 को चुनाव होने वाला है। यहाँ पे ज़बरदस्त तैयारियों के साथ जितने भी प्रत्याशी है चुनावी मैदान में है और तमाम लोग जो अपने पंचायत के जितने भी आम जनता है तमाम लोगों का आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। चूँकि 24 तारीख का जो भाग्य का फैसला है, जितने भी प्रत्याशी हैं इनके भाग्य का जो फैसला है ये आम जनता को ही करना है। तो भगवान रूपी जनता से बिना आशीर्वाद लिए किसी भी तरह का कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो नवनीता रंजन अभी विजिट पे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रही है, लोगों से आशीर्वाद ले रही है। आइए जानते हैं एजेंडा क्या है, क्या बताना चाहेंगे। जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगी? अभी तो हम लोग का बहुत अच्छा चल रहा है। क्या क्या एजेंडा क्या है? आप चुनाव लड़ रही हैं मुखिया का, क्या एजेंडा है आपका? यदि आप चुनाव जीतेंगी तो क्या करेंगी आप? सभी लोग का जो भी काम होगा करेंगे काम। आप महिला हैं, आपके पति शिक्षक हैं राजू रंजन जी, निश्चित तौर से एक अच्छे छवि के व्यक्ति हैं और आपकी पंचायत में कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यक्तित्व का परिचय इसलिए जा रहा है कि आप एक शिक्षक की पत्नी हैं। आपसे बहुत उम्मीद है लोगों की। यदि आप बनती हैं तो महिलाओं के बारे में आपने क्या सोचा? महिलाओं को आगे लाने के लिए काम करेंगे, इनका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व किया। आप चुनावी मैदान में आई है, क्या लगा आपको, दिक्कत क्या दिखा कि ये परेशानी है, मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, यदि मैं चुनाव लड़ूंगी तो ये काम कर सकती हूँ, ये आपको परेशानी क्या नजर पंचायत में? बहुत सारे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो अभी हर गांव में अभी नहीं हुआ है। हर जगह गरीबों को उतना विकास गरीब लोग का नहीं हो पाया है, उसको आगे बढ़ाएंगे। नली गली का क्या स्थिति है आपके यहाँ? गली तो बहुत खराब है। खराब है, काम नहीं हुआ? नहीं काम है। आप जीतेंगी तो कराएंगी? जरूर कराएंगे। सड़क वगैरह की क्या स्थिति है आपके यहाँ? राशन किरासन का क्या स्थिति है? राशन तो अभी ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, स्थिति जर्जर है। पिछला मुखिया जो थे वो काम नहीं कराए हैं? पिछले मुखिया कहाँ काम कराए हैं, काम कराते तो इस तरह गांव हम लोग घूमे हैं तो देखने के लिए मिला है, बहुत सारे नली गली सब टूटे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं नवनीता रंजन जी हैं जो कि मुखिया प्रत्याशी है दोघरा पंचायत की। इनका कहना है कि हमारे पंचायत में किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है और हमारा एजेंडा है कि हम विकास करेंगे। हालांकि यहाँ कुछ और भी महिलाएं हैं, क्या लगता है नवनीता रंजन जी यदि मुखिया बनती है तो विकास करेंगी आपके पंचायत? हम करेंगे। आप किस गांव की रहने वाली हैं? दोघरा। दोघरा की है, तो इनसे आप परिचित हैं, बढ़िया काम करेंगी? हाँ बढ़िया काम करेंगे। आपको क्या लगता है इनको आप लोग मुखिया बना रही हैं? जी। आप भी दोघरा की हैं? हाँ दोघरे के हैं। अच्छा आप बताइए, आप क्या कहेंगे नवनीता रंजन जी का कैसा व्यवहार है वो? अच्छा व्यवहार है एकदम। पंचायत में यदि ये मुखिया बनती है तो सब काम कर देंगे। क्यों महिला लोग सब काम नहीं किए हैं? नहीं कहाँ किए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहिए कि माने हमने के गरीब आदमी के माने मुखिया जी हमने के कुछ करते नहीं थी तो माने यहाँ के हो जाए तो हमने के चाहते हैं कि माने कुछ हमने के विकास करब, यही खातिर हमने के अपन लागल बनी जाए। आपको विश्वास है कि नवनीता बनेंगी तो काम करेंगी? हाँ हमने के करेंगे। अच्छा अब आप क्या कहेंगे, क्या लगता है कि आपके पंचायत में विकास नहीं हुआ? जी कुछ हो नहीं, जाने लायक नहीं है गाँव में। जी ऐसा गाँव है, इतना बड़ा गांव है। हाँ। जाने लायक नहीं है। ये देखिए टोला जो है तो यादव लोग है और चौंटोली है, जा करके यहाँ ले लिए रिपोर्ट ये गांव में जब मुखिया हुआ है पहले क्या किया है, चाहे ये है जिला परिषद कुछ नहीं किया है लोग, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ है।
तो क्या नवनीता रंजन तो एक महिला है, ये कर सकती है काम? हाँ तो हाँ, ये यही खातिर हम लोग पाछा लगे हैं। ये इनसे हम लोग काम लेंगे, आई काम करेंगे, चुनाव जीतेंगे तो काम करेंगे। हाँ इसीलिए हम लोग लगे हैं, ये इनसे हम लोग काम कराएंगे जी। तो इस तरह आप देख रहे हैं दोघरा पंचायत की आम आम जनता भी है और नवनीता रंजन के साथ लोग घूम रहे हैं। इनके पति राजू रंजन जी शिक्षक है और ये लोग का कहना है कि बहुत बहुत ही व्यवस्था चरमराई हुई है हमारे पंचायत में। इस तमाम व्यवस्था को सुचारू तरीके से सही करने के लिए हम चुनावी मैदान में है। 24 तारीख को आम जनता जितनी भी ग्रामीण है या जो भी पंचायत के लोग हैं वो फैसला करेगी कि कौन इस पंचायत का मुखिया होगा। हालांकि तमाम लोग आशीर्वाद लेने के लिए, लोगों से मिलने जुलने के लिए जा रहे हैं। सब लोग का अपना एजेंडा है कि मुझे विकास करना है, लेकिन 24 तारीख को जैसे कि ये आम जनता, ये लोग जो इनके साथ घूम रहे हैं, इनका कहना है कि एक पढ़े लिखे लोग यदि आते हैं तो निश्चित तौर से विकास करेंगे। और पंचायत में जिस तरह आपने देखा नवनीता रंजन जी का, इन लोगों का कहना है कि ये अच्छे व्यवहार की है, कुशल है और निश्चित तौर से अच्छा काम करेंगी। तो इन लोगों के साथ तमाम समर्थक है। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ, थैंक यू। लगता है नवनीता रंजन जी को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नवनीता रंजन जी बहुत अच्छा कैंडिडेट है, बहुत अच्छे काम करेंगे, पढ़े लिखे हैं। राजू रंजन सर बहुत पढ़े लिखे आदमी है, संजना रंजन भी पढ़ी लिखी है, बहुत अच्छे ढंग से काम करेंगे। आज के पहले जो मुखिया थे वर्तमान में, वो मुखिया कोई काम नहीं किए। गांव पर जाने में बहुत स्थिति दयनीय है, ना रोड है, ना गली है, ना नली है, बहुत स्थिति दयनीय है। अच्छा ये बताइए हमको कि नवनीता रंजन जी ही क्यों, और भी बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, इनको क्यों जिताना चाह रहे हैं? पर करने का मतलब देख रहे हैं कि बहुत अच्छी कैंडिडेट है, पढ़े लिखी है, ये काम हम लोग को विश्वास है कि ये काम करके दिखाएंगे। यही इनका वादा है कि हम काम करके दिखाएं, पहले हमको जिताइए, काम करके दिखाएंगे। मेरा मुन्ना यादव नाम हुआ, कहाँ गाँव है? गाँव रामकोसा हुआ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे ये कि हमारा 5 नंबर वार्ड में जाके देखा जाए, जो नीतीश बाबू नल जल के योजना दिए हैं वो अभी तक पूरा घर में नहीं लगा है। पूरा जितना रोड किनारे हैं एक भी जल नल नहीं है। इसलिए हम लोग शिक्षित आदमी के सोच रहे हैं उम्मीदवार बनाएं। यानी कि नवनीता रंजन जी को आप चुनाव जिता रहे? हाँ हाँ, फुल। और जितना प्रत्याशी खड़े हैं विश्वास है कि पूरा फुल विश्वास है। और बात ऐसा है कि जितना प्रत्याशी खड़े हैं वो सब इन्हीं के नीचे हैं। कोई पहला क्लास पढ़ा है, कोई दूसरा, कोई भी वो भी नहीं, कोई ठेपा साप है, बहुत तरह की ऐसी बात है कि हम लोग लगे हुए हैं। तो अभी आप लोग देख रहे थे नवनीता रंजन जी से हमारी बात हो रही थी और यहाँ के तमाम ग्रामीणों ने एक सुर में बताया है कि नवनीता रंजन पढ़ी लिखी महिला है और इस पंचायत दोघरा पंचायत को यदि विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इनसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता है। ऐसा हम नहीं, यहाँ के ग्रामीणों ने अभी तुरंत बताया। अभी हमारे बीच राजू रंजन जी हैं जो एक शिक्षक हैं, इनके पति हैं और कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को दावे कर रहे हैं कि हम दोघरा पंचायत के कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर के सामने आएंगे और जो भी लोगों की समस्याएं होगी उसको दूर करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? धन्यवाद सर। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है मुखिया, क्या कहना चाहेंगे, एजेंडा क्या है? देखिए मुख्य उद्देश्य मेरा है, चुनाव आज से हम नहीं लड़ रहे हैं, मैं चुनाव 20 सालों से लड़ रहा हूँ। ऐसे में प्रदेश के जदयू के भी नेता हैं, मेरे पूरे परिवार राजनीतिक फैमिली से आता है और मैं एक शिक्षक के नाते मिहिया में स्कूल भी चलाते हैं। मेरी पत्नी स्कूल के डायरेक्टर है, मैं प्रिंसिपल हूँ। मेरा सदैव ही रहा है कि दोघरा पंचायत एक स्वस्थ हो, स्वच्छ हो, समृद्ध हो, इसी के दृष्टिकोण से हमने हमेशा चुनाव लड़ने का प्रयास करता। इस बार मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद देने का काम किया है और इनके बनाए कहे हुए कामों पर हम खड़े उतरने का काम करेंगे। पहला एजेंडा ये कि जो भी हमारे 20 सालों से हमारी दोघरा पंचायत कहा जाता है, आज तक दोघरा पंचायत को कोई मुखिया नहीं बना और नहीं बनने के कारण पूरा दोघरा पंचायत ना आने के जाने का रास्ता है, ना नल जल की सुविधा व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की सुविधा है। मैंने इतना दिक्कत है कि आप रोड से उतरिएगा मेन लाइन से, अब गाँव में अब 4 चक्का नहीं ले जा सकते हैं, 2 चक्का नहीं ले जा सकते हैं। यानी कि मुखिया के जो पिछले मुखिया था हमारे यहाँ काम 0 किया है। तो आप लोग दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं या तीसरी बार? ये दूसरी बार चुनाव है मेरी, मुखिया का चुनाव दूसरी बार। क्या लगता है आपकी पत्नी को यहाँ की जनता अब की बार स्वीकार करेगी? सर 100% स्वीकार करेगी और इसका गवाह भी आपके सामने है।
अभी हम लोग तिघरा भ्रमण करते हुए, रोड शो करते हुए, भ्रमण करते हुए हमने दोघरा पंचायत की यदि बात की जाए कि दोघरा पंचायत जिस तरह की जर्जर स्थिति में है जैसे कि आप लोगों ने बताया, तो क्या विश्वास किया जाए कि नवनीता रंजन यदि मुखिया बनती है तो ये तमाम समस्याओं का निदान होगा? मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं वादा करता हूँ कि जब तक दोघरा के हम विकास नहीं कर देंगे तब तक हम चैन के सांस नहीं लेंगे, ये मेरी वादा है सभी ग्रामीणों के सामने। तो आप देख रहे हैं राजू रंजन जी हैं, एक शिक्षक हैं, और जैसे इन्होंने बताया है कि अभी जो स्थिति दोघरा पंचायत की बनी हुई है काफ़ी जर्जर स्थिति है, और लगातार पिछली बार भी हम चुनावी मैदान में थे लेकिन यहाँ की जनता को शायद ऐसा लगा था कि हम अभी मुखिया के लायक नहीं हैं, लेकिन इस बार जनता ने आशीर्वाद दिया है क्योंकि जनता को भी परख हो चुकी है कि मुखिया के योग्य कौन है और कौन विकास कर सकता है। तो इस तरह जनता को भी शायद अफसोस हो रहा है कि क्या, जैसे कि इन्होंने बताया कि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है और जनता का कहना है कि अब की बार आप ही मुखिया बनेंगे, और यदि इन्होंने बताया कि यदि हम दोघरा पंचायत को एक आदर्श पंचायत नहीं बनाते हैं, एक सुंदर और स्वस्थ पंचायत नहीं बनाते हैं, तो हम चैन की सांस नहीं लेंगे, यानी कि लगातार एक मजदूरी की भांति और एक सेवक की भांति अपने पंचायत का क्या सेवा करते रहे, सेवा करेंगे, एकदम विश्वास है, विश्वास क्या मैडम? हाँ। क्या लगता है कि जैसे कि मास्टर साहब का कहना है कि जो पंचायत है जिस तरह की जर्जर स्थिति है हम लोग एकदम सेवक की तरह सेवा करेंगे, क्या कहेंगे आप? सेवा के तरह ही सेवा करेंगे जब तक हमारी स्थिति सुधर न जाए। सिर्फ जनता पहले जो मुखिया थे वो मालिक बन के रहते थे, क्या लगता है आप यदि आप यदि मुखिया बनती हैं तो मालिक बनेंगे कि सेवक बनेंगे? नहीं, सेवक बनेंगे, जनता का सेवक बनेंगे। हाँ, कहीं आप लोग भी मालिक बन गई तो क्या होगा? नहीं नहीं, उस तरह का हम लोग का विचार व्यवहार नहीं है। विश्वास है लोगों को? हाँ, तमाम लोग साथ दे रहे हैं? दे रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इन लोगों का कहना है कि तमाम लोग साथ दे रहे हैं, तमाम लोगों को विश्वास है कि नवनीता रंजन यदि मुखिया बनेगी तो दोघरा पंचायत का विकास होगा और जितनी भी समस्या है सारे समस्याओं का निदान किया जाएगा। और इन लोगों का कहना है कि हम एक सेवक बन के, एक नौकर बन के तमाम पंचायत के लोगों की जितनी भी समस्याएँ हैं उसको खत्म करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। समृद्धि न्यूज़ अशोक तिवारी, कैमरा पर्सन राजू के साथ।